लेकिन ये शुरुआत किसने की थी? ये स्नीजिंग वीडियो की शुरुआत और ये नोज मसाज की वीडियो की शुरुआत। नोज मसाज चलो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक और नए वीडियो पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं बहुत दिनों बाद ये वीडियो ले आई हूँ, बहुत रिक्वेस्ट इस वीडियो का। तो थोड़ा बात कर लेते हैं पहले। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और जो जहाँ से भी मेरे वीडियो देख रहे हैं, आप सब के लिए ढेर सारा प्यार। मैं काफ़ी देर से वीडियो बना रही थी, नहा के आई आके काफ़ी देर से शॉर्ट वीडियो बना रही थी, तो बनाते बनाते मेरा बाल भी सूख गया है, तो इसलिए अभी कंघी कर रही हूँ। और मेरे बालों के ऊपर भी एक वीडियो बनाने का रिक्वेस्ट है कि मैं मतलब ऑयल मसाज मतलब कुछ वीडियो बनाऊँ मैं अपने बालों के साथ, तो बनाऊंगी उस पर भी वीडियो। एक्चुअली मैं भूल गई थी, अभी कंघी करते करते मुझे याद आया कि बालों के ऊपर भी एक वीडियो बनाने का रिक्वेस्ट था। और वैसे भी आप सबको पता है कि कुछ दिनों से मतलब किस मतलब हाल से गुजर रही थी मैं, तो इसलिए वीडियो भी नहीं बना पाई, अच्छे से वीडियो तो बना ही नहीं पाई कुछ दिनों से। चलो आज का वीडियो शुरू करते हैं। और मेरा बाल इतना झड़ रहा है, देखो बहुत बुरा लग रहा है मुझे सच में। इतना ना ऐसा मेरा कभी नहीं हुआ था, इतना झड़ रहा है बाल मेरा अभी, बहुत बुरा लगता है। जिस वजह से मैंने बाल भी इतना छोटे बना लिए हैं, है ना, इतने लंबे लंबे बाल थे मेरे, अभी छोटे बना लिए हैं, फिर भी इतना बाल झड़ रहा है मेरा। अच्छा आज का वीडियो जो है, तो मैं तो ये दूसरा ईयर रिंग्स पहनने का रिक्वेस्ट है कि इसको पहन के मैं ये वीडियो बनाऊँ, होप ईयर रिंग। तो इसको निकाल लेती हूँ। ये ईयर रिंग मेरा बहुत पहले का है, पता है ये कम से कम चार साल पुराना है, लेकिन अभी भी बिल्कुल बिल्कुल नए जैसा ही है, अभी भी बहुत खूबसूरत है। लेकिन ये टूट गया है, इधर से नहीं दिखता है अच्छे से, इधर से थोड़ा सा टूट गया है। तो अभी मैं इसको पहन लेती हूँ। एनी ने किया, मैं थोड़ा इधर रख के चली गई थी उधर कंघी लाने के लिए, और ये इसको बैंड कर दिए। इसी को पहनते हैं, क्या करें, डांटूंगी मैं उसको। बांध लिए हैं, नहीं तो ये दिखेगा ही नहीं ना, इसलिए बांध लिए। बहुत दिनों बाद ये वीडियो बना रही हूँ मैं। एक्चुअली मैं ना भूल भी गई थी कि मतलब वीडियो क्या होगा, कैसे क्या मतलब करना क्या है, तो मैंने ये लिए हैं, तो देखते हैं। वैसे काफ़ी दिनों से मैं खुद करती भी नहीं हूँ,
फिंगर से करने का रिक्वेस्ट है, लेकिन मैं इससे पहले करती हूँ क्योंकि तो फिंगर डालूँगी तो बहुत खुजली होगी, उस तरह नहीं कर रहे ना। काफ़ी दिनों बात कर रहे हैं सच में। इससे ना मतलब डॉक्टर मना करते हैं ऐसा कुछ कान में डालने के लिए, है ना, कुछ भी मतलब कान में कुछ भी डालने के लिए मना करते हैं। तो लेकिन फिर भी ये मिलता है, दवा खाने में ही मिलता है ये, लेकिन मना भी करते हैं ये कान में डालने से, मतलब कान में डालने के लिए। आबिर बहुत जिद करता है, मम्मी खुजा दीजिए और मम्मी खुजा दीजिए, ये ले पीछे पीछे घूमता रहता है, ये कर दीजिए। लेकिन खुद का ऐसे किया जाता है, लेकिन किसी और के कान में डालने से ना डर लगता है कि पता नहीं कितना चला जाए अंदर तक। खुद अपने हिसाब से डालो वो अलग बात है, ध्यान से डाल सकते हैं ना। ये बैंड हो गया है ना, ये कैसे बैंड हो गया है, ये अटक नहीं रहा यहाँ पे। गिर जाएगा फिर से, पहले मैंने ये वीडियो बनाए हैं, काफ़ी सारे बनाए हैं, लेकिन अभी मैं डेली ब्लॉग डाल रही हूँ ना, इसलिए ये सारे वीडियो मैं नहीं मतलब डालना मुझे लगता है कि मेरे चैनल के लिए ठीक नहीं होगा। लेकिन फिर भी इतना ज़्यादा रिक्वेस्ट मतलब कर रहे हैं ना कि ये वीडियो डालने के लिए, तो इसलिए दोनों बंद करके रखते हैं, कुछ नहीं सुनूंगी। वैसे आज दिन में मैं सुबह बताई नहीं कुछ, सुबह मैं आज स्कूल गई थी, मतलब आयान का एग्ज़ाम शुरू हो गया है आज से, तो मैं सुबह स्कूल गई थी, वहाँ से मार्केट गई थी, कुछ लाए भी है तो वो मैं अभी तो नहीं दिखा सकती, बाद में दिखाऊंगी, कल की ब्लॉग में दिखाऊंगी, कुछ लाए हैं स्पेशल मतलब वीडियो के लिए। पहले तो इतना मतलब कुछ पहनती ही नहीं थी मैं कान में, अभी कान मेरा धीरे धीरे ना इसका जो छेद है ना ये बड़ा हो रहा है, बाद में मुझे यहाँ फिर से छिदवाना पड़ेगा। बस
से कान मेरा साफ ही है। तो कान खींचना हो गया, कान खींच के दिखा दिए, कान को पूरा खोल के दिखा दिए। वो कहता है ना कान खोल के सुन लो, तो कान खोल के भी मतलब खोल के दिखा दिए है। अभी मैं ये लाई हूँ। क्या है ये? ये है वो रोलिंग, और इसे मैं करने वाली हूँ अपने इसको और थोड़ा तीखा बनाना है। तो इसके लिए मुझे ये निकालना पड़ेगा पहले। तो ये गर्मी, एक तो गर्मी, ऊपर से ये मोरोलिंग और ज्यादा गर्मी लगेगी मुझको। फिर भी लगा लिए, बिना मोरोलिंग के तो ये मसाज अच्छा नहीं रहेगा, इसलिए लगा लिए नोज मसाज। बहुत दिनों बात कर रही हूँ मैं नोज मसाज। चलो जितना मेरा नाक बैठ गया था ना, ये फिर से तीखा हो जाएगा। ये ना इधर का मैं मुझे कुछ समझ में नहीं आता, यहाँ थोड़ा सा इतना सा जगह है, यहाँ का दर्द मतलब ये इधर से जो निकला है ना, इधर का जो हिस्सा है ना, जो छेद है इधर का, ये यहाँ पे दर्द मतलब रहता ही है। मुझे ये समझ में इधर का कुछ दर्द नहीं है, कुछ भी नहीं है इधर, इधर कोई दर्द नहीं है, लेकिन यहाँ पे दर्द थोड़ा सा दर्द है ही मुझे अभी भी। ऐसे ऐसे छू रहा है ना, तो अभी भी मुझे यहाँ पे थोड़ा सा दर्द हो रहा है, ये कम नहीं हो रहा है। अभी तो इसको मैं निकाल भी नहीं रही हूँ काफी दिन से, जब से वो पहनी थी उसके बाद से तो मैं निकाली भी नहीं, लेकिन फिर भी यहाँ पे दर्द मुझे हो ही रहा है पता नहीं। और मैं वो ले आऊंगी एक जो रिक्वेस्ट है इसमें, इसको निकाल के पहनने की, तो वो पहनूंगी नाक थाशा, वो पहनूंगी देखते हैं, हो सके तो मैं संडे को पहनूंगी। और ये मेरा नाक काफी लंबा हो चुका है वैसे ही नोज मसाज करते करते। मम्मी इतना नोज को ऐसे खींची नहीं होगी बचपन में, जितना मैं यूट्यूब पे आने के बाद वीडियो करते करते नाक को खींच लिए हैं। मेरी वीडियो जब देखते हैं ना तो सब मतलब पूछते हैं ये कैसा वीडियो है, ये नाक को खींच रहा ये कैसा वीडियो है, ये भी कोई वीडियो है कि नाक को ऐसे खींचो, नाक को ऐसे मसाज करो, नाक को खींचो, ये कैसा वीडियो है, और स्नीजिंग वीडियो, मतलब ये सारे वीडियो मतलब ये शुरुआत किसने की थी, मुझे ना वो चाहिए कि ये शुरुआत किसने की थी, ये स्नीजिंग वीडियो की शुरुआत और ये नोज मसाज की वीडियो की शुरुआत। नोज मसाज चलो फिर भी ठीक है, चलो नोज थोड़ा लंबा हो जाता है, जिसका बैठा हुआ है वो उठ जाएगा, जिनका नोज मतलब बैठा हुआ होता है ना, मेरा तो फिर भी ठीक है, काम चलने जैसा तो मेरा है ही, तो इतना भी बैठा हुआ नहीं है मेरा, और वीडियो करते करते तो और मेरा तीखा हो ही गया है। तो जिनका बैठा है उसके उनके लिए ठीक है ये नोज मसाज। नोज मसाज, पीजी मसाज, और ये ये पिगी नोज भी, कितनी पिगी नोज के भी काफ़ी सारे वीडियो मैं बनाई हूँ। तो ऐसा क्यों कर रही हूँ, मुझे मतलब
ये वीडियो डालने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि मुझे बिगिनर्स का भी रिक्वेस्ट फिर से आने वाला है कि बिगिनर्स वीडियो बनाइए, लेकिन मैं नहीं बनाऊंगी, इसलिए इसी वीडियो में दिखा रही हूँ। मैं सबको बोलती हूँ कि काफ़ी सारे फ्रेंड हैं मेरे जो बिगिनर्स की वीडियो बहुत अच्छे से बनाई है, दोलोन ब्लॉग्स, वो बहुत अच्छी वीडियो बनाती है ये बिगिनर्स की। सच में मैं पहले भी कह चुकी हूँ वो बिगिनर्स की वीडियो ना अच्छी बनाती है, मैं नहीं बना पाती हूँ वैसे, थोड़ा पूरा ऐसे 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 करके मुझसे नहीं होता। चलो ठीक है, मेरा हो गया है, ये पहन लेती हूँ मैं। अब एक बाकी है वीडियो, वो है ये नोज़ रिंग पहनने की, तो वो वीडियो मैं बनाऊंगी, एक दो दिन में बनाऊंगी वो भी। तो आज का वीडियो यही तक, आप सब अच्छे से रहना, खुश रहना और स्वस्थ रहना, और मेरे चैनल को अगर अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरे साथ जुड़ जाए। लेकिन मैं डेली ब्लॉग डालती हूँ, ये सारे वीडियो मैं नहीं बनाती हूँ, ठीक है, मतलब पहले तो बनाती थी लेकिन अभी मैं डेली ब्लॉग डालती हूँ, ओके, वो भी बंगाली में, मतलब बंगाली और थोड़ा सा हिंदी ज़्यादातर बंगाली बोलती हूँ क्योंकि डेली ब्लॉग है, डेली अब डेली ब्लॉग में जो करते हैं वो डेली का काम, तो बंगाली बोलना ही पड़ता है, बंगाली बोलता है घर में तो बंगाली बोलता है ना, तो वो बंगाली में ही है वीडियो। तो कभी कभी मेरे कुछ फ्रेंड है जो मेरे बंगाली नहीं समझता है लेकिन फिर भी मेरे वीडियो देखते हैं, तो उन लोगों के लिए मैं थोड़ा बहुत हिंदी बोल लेती हूँ बीच बीच में फिर भी याद रहे, तो हर वक्त तो याद नहीं रहता ना, तो ओके हिंदी भी बोलना है मुझे बीच बीच में, तो जब याद आते हैं तो मैं बोल लेती हूँ हिंदी भी। तो आज का वीडियो यही तक, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आए, अच्छे से बनाने की कोशिश की है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आए, पता नहीं कितना पसंद आएगा वो तो रेटिंग्स देख के पता चलेगा कि वीडियो कितना पसंद आया है आप लोगों को, ओके। अगर वीडियो अच्छा रहा, मतलब मुझे अच्छे व्यूज़ मिले और रेटिंग्स भी अच्छे रहे, तो दोबारा से बना सकती हूँ, नहीं तो नहीं, ओके। चलो बाय टाटा, आप सब अच्छे से रहना, खुश रहना और स्वस्थ रहना, और मेरे साथ बने रहना, बाय।